उस स्विमिंग क्लब के तमाम में इस तरह की महफिलें दो बड़े बड़े मुशायरे बहुत बड़े मुशायरे और मकामी जो शरफा थे उनकी मदद से हम लोगों से रिक्वेस्ट जब करते थे लोगों पर हम पर एतमाद होता था रिक्वेस्ट करते थे हम मान लेते थे और उसके लिए अतुल बसा वो चंदा वगैरह दे देते थे उसमें अभी तक पड़ा हुआ तो वो गोजरे में जो मुशायरे हैं वो मकामी जो शरफा हैं जो मकामी लोग हैं उनके खाउन से कराया गया उसमें अहमद फराज साहब को बुलाया अहमद नईम कासिम साहब को पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े शायर हैं फिर मेरा ये भी होता था कि मैं छोटे शायरों को नज़रअंदाज नहीं करता उनका भी ख्याल करना उनके साथ भी ताल्लुक रखना तो इस तरह गोजरों में तकारीफ भी करवाई थी किताबों की बिल्कुल हाफिज लुधियानवी साहब की किताब की हुई थी एक आपके दोस्त अली अख्तर साहब की आपके एक दोस्त आए थे वास्ती साहब के साथ सेटिंग की थी शौकत वास्ती बहुत बड़े थे बहुत बड़े थे उनके साथ सेटिंग की थी तो वो लोगों में कई ये जो मुशायरे हम करवाते थे ये अदबी तकारीर इससे इलाके का जो कल्चर है ना जी वो इनविजिबली नज़र नहीं आता गैर महसूस तरीके से उसमें इजाफा होता था कल्चरल अपग्रेडेशन होती थी लोगों को बोलना समझना सुनना आता था अदब आदाब आते थे इससे ये फ़ायदा होता है मुशायरे का अदरवाइज मुशायरा अरसे दराज से चला रहा है यहाँ पर 1932 ईस्वी में तो जो लाइलू कॉटन मिल गया इतने पहला मुशायरा कराए थे जो 1934 में 32 में ये बन गया था दिल्ली के मिल मालिक थे उनका खुद बड़ा जौक था अदब का जी जी 1934 के बाद साल बसाल यहाँ होते रहे मैं छोटा था 50s में तो मैं इन मुशायरे में बैठता था माशाल्लाह। सर एक सवाल यह है कि आपने माशाल्लाह ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे